एक चीज चाहिए, तालाब अभी मंजूर पड़ा है, कर देंगे कर देंगे। पूरन सिंह जी आपका कौन सा कहना मैं नहीं मान सकता, पूरन सिंह जी का तो कहना हमारे लिए आदेश हो जाता है, प्रक्रिया में आगे नहीं बना हो जाएगा। ये आपका बाहर वाला रोड मुझे याद है, शिवपुरी से पोरी वाला सड़क, क्या हाल होता था 2002 में, इतने बड़े बड़े गड्ढे होते थे, ढूंढना पड़ता था कि सड़क कहाँ है और गड्ढा कहाँ खत्म होता है। अब देख लो, ये ट्रैक्टर चलेगी 60 किलोमीटर की रफ्तार से, और इसमें अगर पानी का टैंकर के बदले में अनाज भरा हुआ होता तो एक अनाज का तिनका भी नहीं गिरेगा, ऐसा सड़क मैंने बना के दे दिया आप लोगों के लिए। पोरी तक हर्रा गांव से किसान अपना अनाज लेके जाएगा शिवपुरी के मंडी में, एक अनाज का तिनका भी नहीं गिरेगा। आवागमन के लिए ये भी रोड से ठर्रा गांव तक 2.9 किलोमीटर, मैं दिसंबर भी बता दूं आपको, कोई भाजपा या बसपा का नेता बता दे कि एबी रोड से ठर्रा तक कितना 2 किलोमीटर कितने दिसंबर होता है, 2.9 किलोमीटर, 3 किलोमीटर नहीं, याद है महाराज साहब स्पेशल लेके आए थे सड़क बनवाई है हमने आप लोगों के लिए 75 लाख की, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत, जो शिवराज सिंह जी के समय में जो कहते थे कि किसान मेरा भगवान है मैं उनका पुजारी हूं, और फिर पुजारी को हथकड़ी पहना के जेल के सलाखों के पीछे डालते थे किसान को, आज एक एक गांव में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के खंबे तार ट्रांसफॉर्मर सब लगवा के मैंने आपको 140 करोड़ रुपए की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना पूरे जिले की। बीरा में सबस्टेशन, बिलोकला में सबस्टेशन, आदिवासी समाज के लिए घर का निर्माण और आवागमन की सुविधा, 2002 में एक ट्रेन नहीं आती थी, आज चार नहीं अब तो 40-40 ट्रेन शिवपुरी में रुकती है, देश के किसी कोने में जा सकते हो आप। ग्वालियर इंदौर की गाड़ी, ग्वालियर भोपाल की गाड़ी, ये सिख समाज के मेरे बैठे हुए हैं, सिख समाज के लोग ग्वालियर चंबल में कैसे आए, इनकी क्षमता परिश्रम देखकर माधव महाराज ने इनको मुफ्त में जमीन देकर पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में बसाया था, तो अगर मेरे पूर्वज ने इनको बसाया था तो मेरा दायित्व तो बनता है कि स्वर्ण मंदिर में जब इनको मत्था टेकना है तो इंदौर से अमृतसर की गाड़ी बना के चला दी मैंने शिवपुरी होते हुए, इंदौर अमृतसर की गाड़ी, इंदौर चंडीगढ़ की गाड़ी, ग्वालियर इंदौर की गाड़ी, ग्वालियर भोपाल की गाड़ी, जबलपुर इंदौर की गाड़ी, मुंबई के लिए उल्टी गाड़ी झांसी होते हुए, झांसी ग्वालियर शिवपुरी गुना होते हुए मुंबई बांद्रा स्टेशन के लिए भी गाड़ी ठर्रा गांव के लोगों के लिए मैंने चलवा दी। तो आज देश के किसी भी कोने में जा सकते हो, और सिंधिया परिवार और ठर्रा और शिवपुरी का झंडा गाड़ के छाती तान के बोल सकते हो कि हम शिवपुरी के साथ, और वहां बोल सकते हो कि हमारी 56 इंच की छाती नहीं है लेकिन हमारा 56 इंच का दिल है, दिल है। शिवपुरी में 300 बिस्तर का अस्पताल मैंने बनवाया है, सारे लोगों को ग्वालियर भागना पड़ता था, गुलाम नबी आजाद साहब को बुलाकर जो हमारी सरकार थी 20 करोड़ का 300 करोड़ बिस्तर का अस्पताल बनवाया है, सतनवाड़ा में जो मोदी जी आए थे पिछले बार शिवपुरी में कहते थे संभव नहीं है, 250 करोड़ का मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में मैंने बसा दिया आप लोगों को, ताकि डॉक्टरों की कमी ना हो,
मेडिकल कॉलेज 220 करोड़ का, हमारे ठर्रा गांव के बच्चों के लिए जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, केवल एकमात्र कॉलेज है पूरे एनटीपीसी का पूरे विश्व में, वो सतनवाड़ा में लग रहा है, आप लोगों ने देखा है एनटीपीसी का इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है 125 करोड़ का। राष्ट्रीय ऊर्जा परीक्षण केंद्र 65 करोड़ का सतनवाड़ा में बन रहा है। तो प्रशिक्षण केंद्र ऊर्जा के क्षेत्र में एनटीपीसी का इंजीनियरिंग कॉलेज, 250 करोड़ का मेडिकल कॉलेज, शिवपुरी के लिए पानी मड़ीखेड़ा बांध से, आपके लिए राजीव गांधी ग्रामीण उद्यान योजना, सड़क की योजना, 300 बिस्तर का अस्पताल। आज मुझे बताओ शिवराज सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है ठर्रा गांव के लिए या शिवपुरी के लिए, जवाब दे। चुनाव आ गया है तो फुदकने लगेंगे, जैसे विदेशी पंछी आता है शाम के समय में बसेरा करने के लिए, उस डगाल पे आएंगे ये सारे चुनाव के समय में मीठी बोल के साथ। अभी हाथ में मीठी बोल, चुनाव के बाद नमक खिलाने के लिए ये लोग आने वाले हैं। तो ये याद रखना, हमने और आपने मिलके विकास और प्रगति इस क्षेत्र में किया है। मैंने 5 साल आपके लिए काम नहीं किया है, मैंने 17 वर्ष आप लोगों के लिए काम किया है और जिंदगी की आखिरी सांस तक आपके लिए मैं काम करता रहूंगा। क्योंकि मेरी सोच और विचारधारा है कि मेरा और आपका राजनीतिक रिश्ता नहीं है, मेरा और आपका एक परिवार का रिश्ता है। मैं कभी भी ठर्रा गांव में खाली हाथ नहीं आया हूं। जिंदाबाद। कुछ न कुछ अपने साथ लेके आया हूं। अभी चुनाव है, आचार संहिता है, तो मेरे हाथ बंधे हुए हैं। 12 मई को मेरे हाथ को खोल देना, फिर देखना कि क्या कमाल मैं करूंगा आप लोगों के लिए। मेरे हाथों को मजबूती प्रदान करो। आज सरकार प्रदेश में कांग्रेस की बनी है, किसानों का ऋण माफ किया है हमने। मैंने चुनाव के समय में कहा था कांग्रेस की सरकार बनेगी, कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाजपा का सुपड़ा साफ। अब हमने ऋण माफ कर लिया, और जो भाजपाई लोग आपको कहते हैं 2.5 महीने में 55 लाख किसानों का 40,000 करोड़ कर्जा माफ हुआ है, 2 महीने भाजपा के लोग स्तब्ध थे, कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि जो उन्होंने 15 साल में नहीं किया वो हमने 2 दिन में करके दिखा दिया। आचार संहिता लग गई तो भाजपा का खुशफुस शुरू हो गया। भाजपा के लोग जैसे बिल में से निकलते हैं ना, वैसे चुनाव के समय ही निकलते हैं। सुन लो मेरी घूंघट वाली, क्योंकि तुम्हारे दरवाजे पे भी आएंगे, फिर दोबारा चेहरा नहीं दिखाएंगे और भाग के चले जाएंगे। तो जैसे बिल में से निकलते हैं ना, वैसे निकलने लगे हैं। और जब आचार संहिता लग गया तब एक एक के कान में जाके खुशफुस कर रहे हैं, कर्जा माफ नहीं हुआ। सही है कि नहीं? तो जो ये खुशफुस कर रहे हैं ना, कर्जा माफ नहीं हुआ, उनके पीछे भी लग जाना अपने खुशफुस के साथ,
सुन रही हो अम्मा लाल गुंगड़ वाली, आप नौकर है महाराज की? नहीं नहीं, अपना खुशपुस भी लगा देना। क्या कहना है तुम लोगों को, कह देना जो कह रहे हैं ना, कर्जा माफ नहीं हुआ, कर्जा माफ नहीं हुआ। उनको कह देना पंद्रह लाख पंद्रह लाख नहीं दिया। मैं आप लोगों को कह रहा हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि हर किसान जिसका 2 लाख रुपया तक कर्जा था सरकारी बैंकों से, उसका कर्जा माफ होगा। और सिंधिया परिवार का कथन है कि जान जाए सिंधिया।